एवरीवन, मैं डॉक्टर पूजा, एक होम्योपैथी फिजिशियन, और आज मैं आपके लिए लाई हूँ निकोरिया यानी कि वाइट डिस्चार्ज। ये फीमेल में होने वाली बहुत ही मामूली सी बीमारी है, लेकिन अगर इसको टाइम पे इसका उपचार ना किया हो तो ये गंभीर बीमारी का भी रूप ले लेती है। ये मोस्टली फीमेल में अधिकतर होता है कि उनको वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, किसी का वाइट होता है तो किसी का येलोस होता है, और किसी किसी को बदबूदार भी ये डिस्चार्ज होता है, किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है। तो ये सिम्टम्स के अनुसार, बॉडी के अनुसार होता है, बीमारी के अनुसार होता है। तो आज मैं इसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगी, क्या कारण होते हैं इसके ये भी मैं बताऊँगी। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। निकोरिया यानी कि वाइट डिस्चार्ज, ये थिक येलोस वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। यदि आपको वेजाइनल इन्फेक्शन ज़्यादा है तो ज़्यादा डिस्चार्ज होगा, यदि आपको वेजाइनल इन्फेक्शन कम है तो कम डिस्चार्ज होगा। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो फिजिकली और पैथोलॉजिकली। जो फिजिकली होता है उसका कोई मेजर इश्यू नहीं होता है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर स्टोन का लेवल बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस वेजाइनल सिक्रेशन शुरू हो जाता है, जिसके कारण ये हमें होता है। पैथोलॉजिकली में क्या होता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, दूसरा ट्रिकोमिनल इन्फेक्शन के द्वारा होता है। तो ये तो इसके टाइप्स होते हैं। अब मैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करूँ तो ये अबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है। इसमें वेजाइनल इरिटेशन होती है, कभी कभी स्वेलिंग भी हो जाती है, रेडनेस होती है, पेन होता है, जलन जैसा फील होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, वीकनेस होता है। ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अब मैं इसकी मेडिसिन की बात करती हूँ। एस्केकुलेसिस की टैबलेट लेनी है, दो टैबलेट दिन में 3 बार लेना है। वोरेक्स की 30 पोटेंसी 2 ड्रॉप दिन में 3 बार लेना है ऑन टंग। एलुमिना 30 की 2 ड्रॉप दिन में 3 बार लेना है जीभ पर। थलाप्सी की 2 ड्रॉप दिन में 3 बार लेना है। ये सारी मेडिसिन 30 पोटेंसी की ही लेना है। और जनोसिया अशोका का मदर टिंचर लेना है, इसके 10 से 15 बूंद 1/4 कप पानी में मिलाकर सुबह दोपहर शाम में लेना है। ये बहुत अच्छा इसमें माना गया है। तो आप अपने सिम्टम्स के अनुसार मेडिसिन ले सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। और आपको कोई भी किसी भी बीमारी से जुड़ी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उसका बताऊंगी कौन सी मेडिसिन कौन सी बीमारी में दी जाती है। थैंक यू।